हर एक कॉलेज जाने वाले लड़के का सपना होता उसका सीना चौड़ा हो, चेस्ट ब्रॉड हो, लेकिन वो सालों से वर्कआउट कर रहे हैं फिर भी उनकी चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें माइंड मसल्स कनेक्शन के बारे में पता नहीं है और एक्सरसाइज लगाते टाइम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से उनकी चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती है। आप लोगों ने देखा होगा जिस भी लड़के की चेस्ट ब्रॉड होती है जब भी वो कोई शर्ट या टी शर्ट पहनता है तो सबकी नजर सबसे पहले उस व्यक्ति पर जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊं फुल डे चेस्ट वर्कआउट प्लान जिसे आपको 2 महीने तक फॉलो करना है। अगर आपने इसे 2 महीने तक फॉलो किया तो आप अपनी चेस्ट मसल्स को जल्दी से ब्रॉड कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, बारबल बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइज आपको पुशअप के बाद लगाना है, तो ये पहली नंबर की एक्सरसाइज है जो है बारबल बेंच प्रेस। कुछ लड़के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के टाइम रॉड को जल्दी से नीचे की ओर लेके आते हैं, इसीलिए उन्हें इस एक्सरसाइज का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आपको रोड को धीरे धीरे से नीचे की ओर लाना है। आपसे 2 रेपिटेशन कम लगेगा तो चलेगा, बट चेस्ट पर इफेक्ट आना चाहिए इस एक्सरसाइज को लगाते टाइम। आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट और मिनिमम 10 रेपिटेशन लगाना है। बात करते हैं दूसरे नंबर की एक्सरसाइज जो है इंक्लाइन बारबल प्रेस। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम बेंच का जो एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए और बारबल को स्लोली स्लोली नीचे की ओर आपको लेके आना, तभी जाके इस एक्सरसाइज का आपको अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। इस एक्सरसाइज को लगाने से आपकी अपर चेस्ट जल्दी से बाहर की ओर आती है। इसके भी आपको 3 सेट और मिनिमम 10 रेपिटेशन लगाना है। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की, फ्लैट बेंच डंबल। दोस्तों सबसे पहले हमने फ्लैट बेंच पर बारबल से परफॉर्म किया, अब हम डंबल से करना है, क्योंकि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। जब हम चेस्ट मसल्स को डिफरेंट एक्सरसाइज से टारगेट करते हैं तो चेस्ट मसल्स जल्दी से ग्रो होती है। और एक बात का ध्यान रखना, डंबल को नीचे अपने शोल्डर के लेवल तक लेके आना, उससे ज्यादा नहीं, वरना आपका सारा का सारा वेट शोल्डर पर आएगा और आपको इस एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की, सीटेड चेस्ट मशीन प्रेस। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम चेस्ट को स्क्वीज करते हुए अंदर की ओर आपको हार्ड प्रेस करना है और धीरे धीरे से बाहर की ओर शोल्डर की लेवल तक लेके जाना है। इसके भी आपको 3 सेट और 10 रेपिटेशन लगाना है। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5, चेस्ट डिप्स। दोस्तों सच में चेस्ट को जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं तो चेस्ट डिप्स एक्सरसाइज को जरूर लगाएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप अपने खुद का बॉडी का वेट लिफ्ट करते हैं जो कि सबसे अच्छा होता है। रॉक भी अपने चेस्ट वर्कआउट के दिन इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके भी आपको 3 सेट और मिनिमम 10 रेपिटेशन लगाना है। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 की, केबल क्रॉस ओवर। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम आपका बॉडी का जो एंगल है वो थोड़ा सा आगे की ओर झुका होना चाहिए और केबल को धीरे धीरे से चेस्ट के लेवल तक आगे की ओर दोनों हाथों को मिलाना है। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म के टाइम बॉडी को ज्यादा हिलाना नहीं है, यानी कि ज्यादा जर्क नहीं देना है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से चेस्ट मसल्स में एक अच्छी कटिंग आती है। इसके भी आपको 3 सेट और मिनिमम 10 रेपिटेशन लगाना है। तो दोस्तों ये थी फुल डे चेस्ट वर्कआउट प्लान। मैंने आपको टोटल 6 एक्सरसाइज बताई और सभी के 3 सेट बताए और मिनिमम 10 रेपिटेशन आपको बताए, तो टोटल 180 रेपिटेशन हो जाएंगे 6 एक्सरसाइज और 3-3 सेट लगाने से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 180 रेपिटेशन आप जरूर लगाएंगे अगर आप अपनी चेस्ट मसल्स को जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको चेस्ट जल्दी से ग्रो करना है तो आपको कैलोरी भी ज्यादा कंज्यूम करना है। सपोज आप 2400 कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो आपको ज्यादा करना होगा, ज्यादा फूड खाना होगा, ज्यादा खाना खाना होगा, तब जाके आपको ज्यादा मसल्स आपकी जल्दी बढ़ पाएगी। क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज के अलावा आपको डाइट पर ध्यान देना होगा, तभी जाके आपको अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और इसी तरह कंटेंट के लिए दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।